ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी बनी रहे, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहे, और अगर आप चाहते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए, तो इसके लिए जरूरी है कि मैथ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा मैथ आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा नंबर लाइन के बारे में है, रैशनल नंबर के बारे में। काफी डिटेल से आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज हम सीखेंगे कि किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन हमारा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो फॉलोइंग रैशनल नंबर है या कोई भी नंबर है, ठीक है, उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रैशनल नंबर मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 2/3, ये पहला रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन के बारे में बता देता हूं। नंबर लाइन आपके पास ये सामने एक मैंने ड्रा की हुई है, दरमियान में जीरो का साइन है, जीरो लिखा हुआ है। आप इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो 1, 2, 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर आपको नजर आ रहे हैं, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको -1, -2, -3 एंड सो ऑन, जितना नंबर लाइन को आगे आप चलाते जाएंगे नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, इस तरफ पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, कोई भी एक रैशनल नंबर आपको दिया गया होगा, वो इस तरह फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन के बगैर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपकी बुक में या आने वाले जो क्वेश्चन है या पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रैशनल नंबर दिया गया होगा, रैशनल नंबर को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो इसमें तीन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तीन जो बेसिक स्टेप है, तीन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर शो कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है। सबसे पहला ये काम करना है कि आप 2/3 को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.666 आ रहा है, ठीक है। इससे हमें ये शो होता है कि ये वाला जो नंबर है 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, इससे मुराद है 0 और 1 के दरमियान आएगा, ठीक है। तो इससे कुछ आइडिया हो जाता है ये नंबर नंबर लाइन के ऊपर किधर आता है, क्योंकि वैसे भी 2/3 को देखें तो हमें आइडिया नहीं होगा कि 2/3 नंबर लाइन के ऊपर कहां आ रहा है, लेकिन इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि नंबर लाइन जो है, ये नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2/3, तो 2/3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कैसे करेंगे, इसके तीन स्टेप हैं। सबसे जो पहला स्टेप 1 जिसको कहते हैं, स्टेप 1 है कि आपने देखना है कि आपको जो दिया हुआ रैशनल नंबर है, तो जो भी नंबर आपको दिया हुआ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सबसे पहला काम करना है, कोई नंबर पॉजिटिव में या नेगेटिव में। जहां पे ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आएगा, अगर ये नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। क्योंकि ये वाला नंबर पॉजिटिव है इसलिए ये नंबर लाइन के राइट हैंड साइड के ऊपर आएगा, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 में आपने क्या देखना है, स्टेप 2 में आपने इसका डिनोमिनेटर देखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर आपको नजर आ रहा है 3 है, कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर 3 नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि जितने भी इसमें ये 0 से 1 के दरमियान जो हिस्सा है, 1 और 2 के दरमियान जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, 2 और 3 के दरमियान जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये जब नंबर लाइन ड्रा करने के बाद ये नंबर लिखेंगे तो ये वाले सारे पोर्शन तकरीबन बराबर होने चाहिए, 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन ये बराबर होना चाहिए। तो फिर आपने क्या काम करना है कि यहाँ पे 3 नजर आ रहा है, 3 में से 1 माइनस कर दें, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो आपने 2 आंसर आया, ये 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3 के दरमियान दो दो छोटी छोटी जो लाइन है वो ड्रा कर दें, जैसे कि मैंने की है, एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, फिर एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है, एक ये लाइन है, फिर दूसरी ये लाइन है। अब 3 में से 1 माइनस क्यों किया है, 2 क्यों लिखा है, 2 इसलिए लिखा है कि इसमें अगर दो लाइनें आप ड्रा करेंगे तो आपके 3 पोर्शन बन जाएंगे, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, यानी कि 3 पार्ट्स में ये वाला हिस्सा डिवाइड हो गया है। हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 है तो इस हिस्से को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी, 2 लाइनें लगाएंगे तो आपका ये वाला हिस्सा जो है 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहली और आखिरी लाइन ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए हमें 2 लाइनें लगानी है, इसलिए मैंने कहा कि 3 में से 1 माइनस कर दें, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे। आप 4 है तो 3 लाइन लगाएंगे, अगर 10 है तो फिर 9 जो है लाइन लगाए करेंगे। ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप 2 में अब ये सवाल पैदा होता है कि लाइन कितने हिस्से तक लगानी है, ये ऊपर वाले नंबर को देखते हुए आप लगा सकते हैं। अगर नंबर छोटा है जैसे 2 है तो यहां तक ही पूरा आ जाएगा, इसको लगाने की जरूरत नहीं। नंबर 5, 10,
15, 20 कोई भी नंबर है, जितना बड़ा नंबर है उस हिसाब से लाइनें लगा सकते हैं। लाइनें अगर ज्यादा लगा देंगे तो इससे कोई मसला नहीं, अगर कम लगाइए जब काउंटिंग करेंगे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अब स्टेप टू भी आपका हो गया कि आपने पार्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आपके पास होता है स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में आपने देखना है न्यूमिनेटर आपके पास क्या है, ठीक है। न्यूमिनेटर में आपको टू नजर आ रहा है तो यहां पे आपने जीरो को छोड़ देना है, इस हिस्से को आप छोड़ देंगे और ये वाला हिस्सा यहां से शुरू करेंगे वन टू। यहां पे टू आ गया तो ये ऊपर छोटी सी लाइन ड्रा करके टू बाई थ्री लिख दें, तो आपका ये जो नंबर रैशनल नंबर है टू बाई थ्री नंबर लाइन के ऊपर यहां पे आएगा टू बाई थ्री। जैसे कि हमने इसको चेक भी किया, टू बाई थ्री को डिवाइड करके चेक किया, 0.666 आ रहा है, यानी वन और टू, वन जीरो और वन के दरमियान आ रहा है, बल्कि जीरो के हाफ से कुछ, यानी हाफ से कुछ ज्यादा ही है, तो 0.6 आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ये इससे भी कुछ अंदाजा हो जाता है, जब नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। तो स्टेप थ्री होगा, इसमें एक बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, जीरो को नहीं आपने गिनना। लेट्स सी, ऊपर लिखा हुआ है क्या कहते हैं, सेवन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेवन बाई थ्री। अगर ऐसे लिखा हुआ है सेवन बाई थ्री तो ये तो हिस्सा वही रहेगा, सेवन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सॉरी ये वाला जो हिस्सा है ये सेवन बाई थ्री इस जगह पे आएगा, सेवन बाई थ्री इस जगह पे आ जाएगा आपका नंबर लाइन के ऊपर, तो आप इसको यहां पे ड्रा कर देंगे। तो इस तरह आपने रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना सीखा, और इस तरह के मजीद कुछ क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ताकि नंबर लाइन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रा करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब मजीद कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर की है, अब नेगेटिव नंबर के साथ इस नंबर लाइन को समझेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पार्ट टू है, माइनस फोर ओवर फाइव। मैंने जैसे कुछ तीन स्टेप बताए थे, उसमें पहला स्टेप ये है कि आपने नंबर को चेक करना है रैशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसमें क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव कि जीरो के जो नेगेटिव तरफ है यानी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर ये नंबर रिप्रेजेंट होगा, राइट हैंड साइड के ऊपर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या देखनी है, दूसरी बात देखनी है आपने कि डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, फाइव है, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पे फाइव है, यहाँ पे मैंने डिवाइड करके भी दे दिया है, डिवाइड करके आपको नजर आ गया 0.8 आया, यानी वन से कम है, तो इससे मराद है कि जीरो और वन के दरमियान किसी जगह भी ये नंबर आ सकता है। तो डिनोमिनेटर आपका फाइव है, फाइव में से एक कम कर दें, फाइव में से एक कम करेंगे तो आपके पास फोर आ जाएगा। तो आपने जितने भी पोर्शन है आगे, इन पोर्शन को फोर बराबर इसमें में डिवाइड करना है, पांच बराबर इसमें में डिवाइड करना है, लेकिन पांच बराबर इसमें में डिवाइड करने के लिए आपको चार लाइनें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। चार लाइनें कैसे, एक दो तीन, तीन मैंने लाइनें, चार मैंने लाइनें लगाई हैं, एक दो तीन चार, और अब इसमें पोर्शन कितने बनेंगे, एक ये पोर्शन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव इसकी पोर्शन बन गए। आगे भी मैंने लाइनें लगाई हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर जो नोमिनेटर है वो छोटा है, फोर है, उसको गिन लेते हैं। गिनेंगे आपके पास आएगा वन टू थ्री फोर, फोर यहाँ पे आ गया, तो माइनस फोर ओवर फाइव जो है आपका यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपने इसको ऐसे लाइन लगा के रिप्रेजेंट कर देना है कि ये जो माइनस फोर ओवर फाइव है रैशनल नंबर के ऊपर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है माइनस टू होल फाइव ओवर एट। अब आपने सिंपल रैशनल नंबर वाले क्वेश्चन किए, अब एक क्वेश्चन जो मैं होल नंबर के साथ भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। इस क्वेश्चन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, दोनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी होल ब्रेक करते हैं, ए टू जर 16, 16 प्लस 5 माइनस 21 ओवर 8, यानी इसे अगर होल ब्रेक करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस 21 ओवर 8, माइनस 21 ओवर 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.625। इससे मुराद है कि ये नंबर जो है माइनस टू और माइनस थ्री के दरमियान कहीं ना कहीं आपको लाई होता नजर आएगा। इससे कुछ आइडिया हो जाता है बेसिकली कि नंबर आपका कहाँ आ रहा है। अब आप देखिए नीचे आपके पास 8 है, डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है, 8 में से अगर एक माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आएगा, यानी इससे मुराद ये है कि 0 माइनस 1 के दरमियान आपने सात लाइनें ड्रा करनी है। सात लाइनें अगर ड्रा करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मैंने ड्रा की हुई है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सात लाइनें ड्रा की और आठ बराबर हिस्सों में ये डिवाइड हो गया। अब आपने दूसरा काम, ये तीसरा काम ये करना है, ऊपर लिखा हुआ है माइनस 21, माइनस 21 से मरा दे नंबर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आएगा, ऊपर 21 है तो 21 को गिन लेते हैं। आपने जीरो इसमें शामिल नहीं करना बल्कि जीरो से आगे शुरू करना है, वन टू
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. 21 यहाँ पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, ऊपर आपने लिख देना है नंबर -2 whole 5 over 8. यहाँ भी बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि -21 over 8 को लिखते हैं, ये तो हमने सिंपल करके अपनी आसानी के लिए इसको लिखा है. आपका जो नंबर है रैशनल नंबर वो यही है -2 whole 5 over 8, तो आपने इसको यही लिख, ये यहाँ पे यही लिखना है -2 whole 5 over 8. ये तो एक तरीका हो गया जो कि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं. अब इसका दूसरा मेथड ये है कि आपको नजर आ रहा है -2 whole 5 over 8, ठीक है, तो -2 को यहां तक रहने दें आप, ठीक है, -2 तो ऑलरेडी मौजूद है, 5 ओवर 8 को हम रैशनल नंबर पे ड्रा कर लेते हैं, -2 तक रहने दें, तो नीचे आपके पास 8 है, 7 बराबर इसे में डिवाइड करें, -2 और -3 के दरमियानी हिस्से को डिवाइड करेंगे, तो ऊपर क्या है आपको नजर आ रहा है 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो ये आपका -2 whole 5 over 8 यहाँ पे आ गया. होल नंबर वालों के लिए ये दो मेथड है, दोनों में से जो भी अप्लाई करें, ये बस बेशक दूसरे मेथड में ये वाले हिस्से को डिवाइड ना करें, बस इससे इस हिस्से को -2 और -3 वाले हिस्से को आप जो है बराबर हिस्से में डिवाइड कर लें, इसके निशान ना भी लगाएं तब भी खैर है, इसके निशान लगे होने जरूरी है, और ये लाइन लगा के आपने रिप्रेजेंट करना है कि -2 whole 5 over 8 रैशनल नंबर जो है नंबर लाइन के ऊपर कहां ड्रा करता है. इसी के साथ ही अभी मैंने आपको पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो है होल नंबर के साथ भी आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करके दिखाया है. उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 यानी लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. इससे पहले नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को आपने ड्रा किया है और होल नंबर के साथ भी आपने ड्रा किया है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये कतरे डिफरेंट है, ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी मौजूद है 2.1 से पहले, और क्वेश्चन में भी सिर्फ एक जस्ट इस तरह का एक क्वेश्चन है √5. आपने √5 को अब नंबर लाइन के ऊपर शो करना है. √5 आपके पास इरेशनल नंबर है, अब इरेशनल नंबर को भी हम इसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे. सबसे पहले एक बात बता दो चलूं कि √5 का अगर कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2.236, ठीक है, ये इसका आंसर है. इससे ये जाहिर होता है कि ये वाला जो नंबर है नंबर लाइन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव यानी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये आपको 2 और 3 के दरमियान नजर आएगा, ठीक है, 2 और 3 के दरमियान जो ये वाला नंबर है √5 लाई करेगा. अब ये तो हो गया जस्ट आपको जस्ट अंदाजा देने के लिए, जस्ट आइडिया देने के लिए कि ये √5 कहां पे आएगा. अब इसको प्रैक्टिकली हम चेक करते हैं कि यहाँ अंडर नंबर लाइन के ऊपर √5 कहां पे लाई कर रहा है. तो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की हुई है और इस पे मैंने ये नंबर भी जो है वो √5 यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है नंबर लाइन के ऊपर. लेकिन ये कैसे किया है ये बता देता हूं, क्योंकि √5 है, आपने पिथागोरस थ्योरम, ठीक है, पढ़ा होगा उसको, मसला फीसागोरस भी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में पिथागोरस थ्योरम कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम जो क्लास 7 में आपने पढ़ा हुआ है, उसमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है. अब हाइपोटेनियस क्या होती है, ये वाली जो साइड है हाइपोटेनियस कहलाती है, ये वाली जो साइड है बेस कहलाती है, और इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, एल्टीट्यूड भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं. एक बात याद रखिए, पिथागोरस थ्योरम जो है ये आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होगी उसके लिए होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके लिए ये पिथागोरस थ्योरम या मसला फीसागोरस इस्तेमाल करेंगे. इसका फार्मूला है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है. अब आपके पास हाइपोटेनियस मैंने √5 लिखा हुआ है, आप लेट्स सी आपके पास हाइपोटेनियस नहीं है, बेस आपके पास क्या है, यहां से यहां तक आपका 2 बेस है और हाइट यहां से लेकर यहां तक 1 है. अब ये बेस और हाइट मैंने 2 और 1 क्यों लिखी है, क्योंकि हम जो है यहाँ पे √5 चाह रहे हैं, कि यहाँ पे √5 आना चाहिए. क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर. तो √5 लेने के लिए 2 का स्केयर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही होगा, 4 + 1 = 5 हो जाएगा, तो √5 आपके पास आ जाएगा. इसलिए मैंने 2 का स्केयर और 1 का स्केयर लिया है, ये ऐसे नहीं ले लिया, बल्कि अगर 2 देखें यानी बेस है 0 से लेकर यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट है, तो 2 का स्क्वायर है और ये 1 पॉइंट के बराबर है, यानी ये जो फासला है ये इस फासले के बराबर है, इसलिए इसको 1 का स्क्वायर लिखा है. इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं,
बेस को यहां तक 1 भी रख सकते हैं और हाइट इसकी 2 भी कर सकते हैं, फिर इसकी बेस 1 हो जाएगी, हाइट जो है 2 हो जाएगी, ट्राइंगल ऐसे ऊपर करके बनेगी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ऐसे बनी जिसमें बेस ये है और हाइट ये है। तो आपने जब भी क्वेश्चन पेपर में आना है तो ये बेस और हाइट जो है अगर 2 ली और हाइट 1 ली है तो उसके मुताबिक इसकी जो ड्रा करना है अपने पेपर के ऊपर वैसा होना भी चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन क्या कहते हैं अंदाजन जो है इतना होना चाहिए कि देखने में भी लगे कि 2 है, यहां से लेके यहां तक 2 है और ये 1 है, तो ये वाला जो फासला है ये यहां तक इतना होना चाहिए, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज का स्केल लेंगे, 2 का स्केल लेंगे 4, 1 का स्केल लेंगे 1, 4 प्लस 1 5, यानी हाइपोटेन्यूज का स्केल इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेन्यूज का स्केल खत्म अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने स्केल रूट ले लिया या अंडर रूट ले लिया, तो यहां ये इसका अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपके पास आ गया अंडर रूट 5 जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। तो ये 2 ये 1 ठीक है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज जो है ये अंडर रूट 5 कहलाएगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक 2 ठीक है, ये वाला हिस्सा जो 1 है और ये आपका अंडर रूट 5 है। अब आपने इसका इस्तेमाल करने के बाद ये इसको फाइंड कर लिया है मसला फिसागोरस के जरिए, अब आपने इसको अंडर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। उसका तरीकेकार ये है कि यहां से यहां तक का फासला स्केल के साथ मेजर कर ले, यानी स्केल को यहां से लेके यहां तक मेजर करें और फिर इस स्केल को यहां से लेके यहां तक वो स्केल आपका आएगा, जहां तक भी आपका अंडर रूट 5 आ रहा है वहां पे लाइन ड्रा करके वहां पे आपका अंडर रूट 5 आएगा। ये लाइन एरो ऊपर नजर भी आ रहा है, इस जगह पे अंडर रूट 5 आ रहा है। अगर आप कंपास का या प्रकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, कंपास को यहां पे रखें और यहां तक ओपन कर लें, ठीक है, कंपास को या प्रकार को, फिर यहां पे रखें, ये मैंने ऐसे निशान लगाया तो ये ऐसे लाइन लगी हुई है, ये यहां से गुजर रही है, जहां से गुजर रही है वो आपका अंडर रूट 5 का यानी रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं अंडर रूट 5 जो है 2.236 है, यानी 2 और 3 का जो हाफ है उससे भी पहले जो है इसको नंबर लाइन पे शो होना चाहिए। एग्जैक्ट तो यहां पे ऐसे नहीं लग रहा है, एग्जैक्ट बिल्कुल आपने नंबरिंग कर रही है यहां पे, लेकिन ये जो है अंदाजन 99% जो है आपको एग्जैक्ट नजर आ रहा है, अगर आप इसकी नंबरिंग इधर करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह अंडर रूट 5 को जो कि इस एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना सीखा है, अंडर रूट 2 को उन्होंने एग्जांपल्स के अंदर नंबर लाइन के ऊपर ड्रा किया हुआ है, इस तरह पेपर के अंदर अंडर रूट 3 अंडर रूट 4 अंडर रूट 6 कुछ भी जो है अगर पेपर में आता है तो आपने उस हिसाब से उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है जैसे कि मैंने आपको सिखाया। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, यानी कि 3/4 और 5/9 के दरमियान आपने को रैशनल नंबर बताना है कि वो कौन सा हो सकता है। तो इसका एक तरीकेकार ये तो है, ये है कि 3 और 5, 3 एंड 5 के दरमियान नंबर कौन सा हो सकता है, 3 और 5 के दरमियान जो नंबर हो सकता है वो है 4, ठीक है, 3, 4, 5 इनके दरमियान आएगा। इसके अलावा एक और भी मेथड है कि 3 और 5 के दरमियान अगर आपको नंबर फाइंड करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, 3 प्लस 5 करें, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 8 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड जो नंबर है वो आ जाएगा, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नंबर 4 आपके पास आ गया, इस तरह भी आ जाएगा और इस तरह भी आ जाएगा। ये तो है सिंपल अगर नंबर है, अगर आपके पास रैशनल नंबर है फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, तो फिर उनके जो मिडिल वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे, इसको इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 है यहाँ पे 9 है, इनके जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते तो जस्ट हम 4/9 या 4 लिख सकते थे अगर डिनोमिनेटर सेम होते, लेकिन उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए मिडिल वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस या उसका जो सोल्यूशन है वो परफॉर्म करते हैं और मिडिल वैल्यू तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, 3/4 और 5/9 की जो मिडिल वैल्यू है मिडिल टर्म है वो आपने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे इनको प्लस कर लेंगे, जैसे यहां पे हमने प्लस किया, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, हम ऐसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे और मिडिल वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। 3/4 प्लस 5/9 इसके एलसीएम क्या होगा, 4 और 9 का एलसीएम मैंने यहां पे फाइंड किया हुआ है, उम्मीद है आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, 4 1s are 4, 9 1s are 9 और 9 4s are 36, इसका 36 जो है एलसीएम है, ठीक है, 36 एलसीएम आ गए। अब इस क्वेश्चन को एलसीएम लिख के नीचे सॉल्व करते हैं, ये मैंने एलसीएम नीचे लिख दिया 36। अब 4 का टेबल 9 तक पढ़ना है या 4 का टेबल 36 तक पढ़ना है या 36 को 4 से डिवाइड कर दें, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36,
9 आपके पास आंसर आएगा, इस 9 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 मैंने लिखा हुआ है साथ मल्टीप्लाई बाय 9, फिर इस 36 के को 9 पे डिवाइड करना है, 9 4 36 4 आंसर आएगा, इस 4 को फिर हमने इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 भी मैंने लिखा हुआ है, तो 9 3 27 प्लस 5 4 20, तो 27 प्लस 20 47 ओवर 36 आपके पास आ गया है, ये आपकी मिडिल वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो आपको पास इनको ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड भी करना है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारी जो मिडिल वैल्यू वो आ जाएगी, 47 ओवर 36 को डिवाइडेड बाय 2 लिख दें, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2, अब जानते हैं इस 2 के नीचे भी 1 मौजूद है, ठीक है, उसको लिख लें अपनी आसानी के लिए, इस 2 के नीचे 1 लिख लेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिखा जाए 47 ओवर 36 डिवाइडेड बाय 2 बाय 1, यानी कि ये जो फ्रैक्शन का साइन है इसको हटा के मैंने सिंबल लगा दिया है डिवाइडेड बाय 2 बाय 1, अब ये क्लास 7 में पढ़ चुके हैं कि डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 2 बाय 1 है तो 1 बाय 2 हो जाएगा, 1 बाय 2 हो गया, अब इसकी कटिंग कर लें, 47 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 47 आएगा, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आपके पास आ जाएगा, और यही इसकी मिडिल वैल्यू है, यही इसका आंसर है, और 47 बाय 72 मिडिल वैल्यू है, 3 बाय 4 और 5 बाय 9 के दरमियान जो मिडिल नंबर आता है वो 47 ओवर 72 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा, इसमें कुछ टेक्निक से नहीं मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखने में ये वाली वैल्यू छोटी नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू आपको बड़ी नजर आ रही है, इसे अपने परेशान नहीं होना, बल्कि जो प्रोसेस है जो मेथड है उसके तहत यही इसका आंसर आता है 47 डिवाइडेड बाय 72, ये इसकी मिडिल वैल्यू है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर P over Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. आपके पास इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, इन 3 पार्ट्स में आपको रेकरिंग डेसिमल दिए हुए हैं, ठीक है, रेकरिंग डेसिमल के बारे में वीडियो के पहले हिस्से में जिसमें मैंने पहला पार्ट इसका वीडियो का अपलोड किया उसमें काफी डिटेल से जिक्र कर चुका हूँ कि रेकरिंग डेसिमल में कोई भी नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में करना है। पहले हमने रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग फॉर्म में किया था, अब रेकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर की फॉर्म में लेकर आना है, यानी पी और क्यू की फॉर्म में लेकर आना है, जहां पे पी और क्यू इंटीजर होंगे और इन क्वेश्चन में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 की तरफ। 0.5 लिखा हुआ है आपके पास, जो पहला पार्ट है 0.5 के ऊपर बार सा लगा हुआ है, इस बार से मुराद है कि 5 ही बार बार आगे रिपीट हो रहा है, इसको बार बार लिखने की बजाय इन्होंने 0.5 लिख दिया है, बार से मुराद ही है कि रेकरिंग डेसिमल है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.5, इसके ऊपर बार मैंने नहीं लगाया, आप यहाँ पे बार लगा दें, 0.5 आ गया, x is equal to 0.5 बार। अब जैसे कि बार का मैंने बताया ऐसे मुराद है कि 5 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख लेंगे x is equal to 0.5555, 3-4 दफा लिख लें आगे, डॉट डॉट लगा दें आप, तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप आपका ये है, बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, आपने इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई क्यों करना है ये वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन ये हम यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि 10 से क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया, 1000 से क्यों नहीं किया, इसका जवाब मैं अभी आपको बता देता हूं कि 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 के नीचे अगर इसका डेसिमल खत्म करना हो, पॉइंट के नीचे 1 आएगा, ठीक है, तो पॉइंट खत्म, आगे कितने डिजिट, एक डिजिट है, तो एक ही डिजिट यानी एक ही 0 आएगा, ये लिखा जाएगा 5/10, यानी इसका अगर डेसिमल खत्म करेंगे तो नीचे 10 ही आएगा, इसलिए हमने इसको बाय मल्टीप्लाइंग 10 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की ये साइड है एक ये साइड है, दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें। मैथ का ये रूल है कि इक्वेशन के दोनों तरफ कोई भी एक काम कर सकते हैं जिससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10x को 10 से करेंगे, 10x और 0.555, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 भी करेंगे, इसको करेंगे 10x हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.555 आपके पास आएगा, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है। दोबारा बता देता हूं, 10x is equal to 5.555, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यही इसका आंसर आता है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 आपके पास आ गई है, आप क्या करेंगे,
बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन टू से, तो इक्वेशन टू आपके पास क्या है 10x is equal to 5.555, आगे डैश डैश लगा दें, और आपके पास इक्वेशन वन है x, उसको नीचे लगेंगे x के नीचे x, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है 0.555, इसके आगे भी आप ऐसे डैश डैश लगा सकते हैं। अब इनको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9x आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है नजर नहीं आ रहा, मैं इसको लिख देता हूं, ये आएगा 9x, और 5.5 इन सबसे करेंगे तो यहाँ पे सबका 0.0 आएगा 5.00, तो इसको खाली 5 भी लिखा जा सकता है, तो आपके पास आया 9x is equal to 5। अब आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन में, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, x is equal to 5/9, तो आपके पास x जो है 5/9 के बराबर आ गया है। x आपने किसको पुट किया था 0.5 बार, तो 0.5 बार is equal to 5/9, यानी कि ये रेकरिंग डेसिमल है, इसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। आप ये जानते हैं p और q में करना था, p और q में यहाँ पे दोनों डिजिट्स हैं और q not equal to 0 और q यहाँ पे 0 पे नहीं है, ये आपका रैशनल नंबर में रेकरिंग डेसिमल कन्वर्ट हो गया। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 हमने किया है, जिसमें हमने सीखा है कि किसी भी रेकरिंग डेसिमल को हम रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में आपके पास जो रेकरिंग डेसिमल आपको दिया हुआ है 0.13, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। सबसे पहला काम हमने पिछले क्वेश्चन की तरह यही करना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.13 के ऊपर बार लगा हुआ है, इससे मुराद है कि 1313 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 0.13 दो तीन दफा इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई क्यों करना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर इसका पॉइंट आप खत्म करना चाह रहे हैं 0.13, इसका पॉइंट के नीचे 1 आएगा, आगे जितने डिजिट है उतने आप 0 लगा देंगे, तो ये 13.100 हो जाएगा, क्योंकि 100 आ रहा है तो हमने इसकी इक्वेशन को दोनों तरफ हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने किया है 100 मल्टीप्लाई बाय x और 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13 आगे डैश डैश लगा दे, इसका आंसर आएगा 100x इज इक्वल टू 13.131313 डैश डैश, ये आपकी इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो आप क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम वाली जो इक्वेशन होती है सब्ट्रैक्शन में ऊपर आती है, नीचे जो इक्वेशन 1 आएगी 100x इज इक्वल टू 13.131313 माइनस x इज इक्वल टू 0.131313 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इनको सेपरेट करेंगे, ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे सीधा लिख के भी इनको सब्ट्रैक्शन की जा सकती है। 100x में से 1x अगर माइनस करेंगे तो आपके पास 99x आएगा, 99x is equal to 13.000, ये सारे आपस में इसका जो आंसर है वो 00 आएगा, और 13 में से 0 माइनस करेंगे तो 13 ही आएगा, ये वाला हिस्सा बेशक ना भी लिखे तो खैर है, 99x is equal to 13, तो x की वैल्यू फाइंड करिए, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13/99, और x की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, x की वैल्यू हमने पुट की थी 0.13, यानी इसके इक्वल हमने x रखा था, तो x की जगह हम 0.13 ऊपर डैश लगा उसको लिखेंगे इज इक्वल टू 13/99, तो ये वो रैशनल नंबर है जो 0.13 रेकरिंग डेसिमल है, जो रैशनल नंबर है इसका आंसर ये आता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 1 पार्ट 2 बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इसमें फर्क ये है उधर 10 से मल्टीप्लाई किया था, इधर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है। अभी जो है हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करते हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन वही है जैसे क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 था, 0.67 लिखा हुआ ऊपर बार लगा हुआ है। सबसे पहला काम हमने ये क्या करना है, इसको लेट x is equal to 0.67 लिख लेना है। अब 67 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हमने x is equal to 0.67 तीन दफा लिख लें आप इसको, और आगे डॉट डॉट लगा दें, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें।
दोबारा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, इसका जवाब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 में मैंने बताया कि इसका अगर पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे हमें 100 लगाना पड़ेगा, जैसे कि 0.67 इसका डेसिमल खत्म करना है तो नीचे आपको 100 लगाना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगाएंगे। इसलिए 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.67667, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 100x इज इक्वल टू 67.676767 लिख लेंगे हम, तो ये हमारी इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, पहले दूसरी तरह सबट्रैक्शन की थी, अब मैंने एक लाइन में लिख के, ये भी एक मेथड है सबट्रैक्शन करने का, जैसे आपको सर करवाएंगे वैसे आप कर लीजिएगा, इस तरीके से करवाते हैं इस तरीके से कर लें या किसी दूसरे मेथड से सबट्रैक्शन करवा लें तो वैसे कर लें। तो अब लिखेंगे 100x - x, ठीक है, 100x - x और इधर 67.676767 माइनस 0.676767, इसको माइनस करेंगे, 100x में से x माइनस करेंगे 99x आएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जस्ट 67 आएगा। एक बात याद रखिएगा, इधर 67 67 और 67 तीन दफा है तो इधर भी आपका 67 67 67 तीन दफा ही होना चाहिए, तभी आगे आपका आंसर जो है 67 आएगा। 99x is equal to 67, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो x is equal to 67 over 99 आएगा, x की जगह पुट कर देंगे 0.67 बार की जो रैशनल नंबर है वो 67 over 99 आएगा, और यही हमने फाइंड करना है कि इस नंबर को p over q की फॉर्म में या रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आखिरी पार्ट है उसका आंसर जो है 67 ओवर 99 है। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ ही आखिर में मैं आपको कहूंगा, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कहीं भी कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए पेश की माजरत, और इसके साथ आखिर में एक एडवाइस आपके लिए जरूरी है कि इसी तरह पढ़ते रहिए, पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनिए और एक अच्छी एक लाइफ जो है बेहतर गुजारिए। अगर आप उससे मैथ सीखना चाहते हैं तो इस तरह मेरी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, और कुछ वीडियोस मैंने 9th क्लास की, 8th क्लास की, 7th क्लास की ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर उसका नोटिफिकेशन भी चाहते हैं तो साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।